गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूज़ ऑफ आई एम यू आर वी आर एंड माय ओके फर्स्ट इज़ आई एम वेर वी यूज़ आई एम वेन अ पर्सन टॉक अबाउट हिम सेल देन वी यूज आई सी या इज़ अ बॉय जो क्या कह रहा है अपने बारे में बता बात कर रहा है जो खुद के बारे में बात कर रहा है आई एम अ बॉय माई नेम इज़ प्रतीक एंड इट इज़ माई मोबाइल ये लड़का खुद के बारे में बात कर रहा है ना क्या कह रहा है आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ माई नेम इज़ प्रतीक यहाँ पर नोटिस करिए यहाँ पर इस बॉय ने आई का यूज़ किया है यहाँ पर माए का यहाँ पर माए का तो ऐसा क्यों तो जब कोई इंसान खुद के बारे में बात करता है अपना इंट्रोडक्शन कर देता है तो वो क्या यूज़ करता है आई का मतलब मैं मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ या मैं एक सिंगर हूँ या मैं एक टीचर हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे आय का बट माय का यूज़ क्या क्यों किया जाता है जो वो अपने बारे में कुछ बताता है जैसे माय नेम इज़ प्रतीक वो क्या कह रहा है मेरा नाम तो ये मेरा मेरा के लिए हमने क्या यूज़ किया माय मेरा नाम प्रतीक है इट इज़ माय मोबाइल और यह मेरा मोबाइल है तो देखिए यहाँ पे भी मेरा ये मोबाइल इस बॉय का है ना तो इसने क्या यूज़ किया है मेरा तो मेरा के लिए क्या हो या यूज़ होगा माय इट इज़ माय मोबाइल सेम आई अ गर्ल ये गर्ल है तो क्या कह रही है मैं एक लड़की हूँ माय नेम इज़ मानसी मेरा नाम क्या है मानसी है एंड इट इज़ माय मो लैपटॉप और ये मेरा लैपटॉप है ये लैपटॉप किसका है इस लड़की का जो खुद के बारे में बात कर रही है तो, तो आई इसने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया है इसलिए यूज़ किया है और माई का यूज़ क्यों किया है कि अपने बारे में या तो अपना नाम बताने के लिए या कोई इंसान अपने चीज़ों को बताने के लिए जैसे बोलते हैं कि माई कंट्री नेम इज इंडिया तो कोई भी इंसान क्या कह रहा है माई कंट्री नेम इट मीन्स मेरे कंट्री का नाम क्या है इंडिया है तो मेरा तो मेरे के लिए हमने क्या यूज़ किया माई ओकेर यू नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ यू आर यू आ यू आ का यूज़ हम कब करते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से बात करता है तो फर्स्ट पर्सन तो अपने लिए क्या यूज़ किया है आई का यूज़ किया है पर जिस सेकेंड पर्सन से बात कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा यू जैसे मैं एक टीचर हूँ आई एम अ टीचर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ है ना कि आई एम अ टीचर यू आर स्टूडेंट्स और आप सब क्या हैं स्टूडेंट्स हैं तो मैंने अपने बारे में क्या कहा मैं टीचर हूँ और आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैंने क्या यूज़ किया यू आप लोगों के लिए क्या यूज़ किया है यू जहाँ आपसे पूछते ना हाउ आर यू आप कैसे हैं तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना आपसे डायरेक्ट बात किया है तो जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से बात करता है तो सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है यू का यूज़ होता है यहाँ पर एक बॉय है जो क्या कह रहा है आई एम अ सात्विक कौन है ये सात्विक है यू आर वासु और तुम वासु हो तो क्या किया है इसने कि पहले खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तुम सात्विक हूँ और तुम वासु हो तो डायरेक्ट जो सेकंड जो सामने वाले इंसान से बात करते हैं ना हम तो सामने वाले इंसान जिस इंसान से हम बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यू का यूज़ करते हैं है? समझ में आए जैसे यहाँ पर देखिए आई एम रितिक ये लड़का क्या कह रहा है आ मैं क्या हूँ मैं कौन हूँ मैं ऋतिक हूँ यू आर झलक तो ये ऋतिक जो है ये सीधा इस गर्ल से बात कर रहा है है ना तो क्या कह रहा है ये ऋतिक आई एम अ ऋतिक यू आर झलक तुम झलक हो एंड यू आर अ गर्ल और तुम कौन हो एक लड़की हो ओके okay? समझ में आ गया आई का यूज फर्स्ट पर्सन जो हम अपने बारे में बात करते हैं तब करते हैं यू का यूज़ हम जब दूसरे किसी सामने वाले इंसान से बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं यू का यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज वी आर वी आर का यूज़ हम कब करते हैं बेटा जब हम जब कोई एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं चाहे वो दो तीन चार जितने भी हो, तो हम जब सबको ग्रुप में लेकर बात करते हैं ना तो हम वी का यूज़ करते हैं देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था आई एम अ सात्विक इस लड़के ने क्या कहा मैं सात्विक हूँ यू आर वासु तुम्हें तुम वासु हो तुम्हारा नाम वासु इट मीन्स वी आर फ्रेंड्स अब ये अपने बारे में भी नहीं बात कर रहा है और अब खुद से भी नहीं बात कर रहा है और सामने वाले को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है अब ये क्या कर रहा है दोनों के बारे में बात कर रहा है तो जब दोनों के बारे में बात होती है ना तो उसने क्या वहाँ पे क्या यूज़ होगा वी वी आर फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स हैं तो इसने क्या किया है कि दोनों को मिलाकर बात किया है हम फ्रेंड्स हैं है ना यह देखिए यहाँ पे एक लेडी है ना और एक गर्ल है तो ये लेडी इस गर्ल से क्या बात करिए यू आर अ स्वीट गर्ल तुम एक अच्छी लड़की हो दिस इज योर गिफ्ट योर तुम इस लेडी ने इसको इससे बात किया कि तुम एक अच्छी लड़की हो है ना और ये गिफ्ट तुम्हारा तो तुम्हारे के लिए हमने क्या यूज़ किया है यू ओके याद रखिए मेरा के लिए हम माय का यूज़ करते हैं तुम्हारा के लिए हम योर का यूज़ करते हैं ओके यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय दिस इज योर बुक यहाँ पर एक यहाँ पे दो पर्सन हैं एक कौन एक बॉय है और एक इस बॉय की मम्मा है क्या वो कह रही हैं कि यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय तुम एक इंटेलिजेंट बॉय हो दिस इज़ योर बुक और यह तुम्हारी बुक है तो यो यू है ना इस लेडी ने इस बॉय से बात की है तो यू का यूज़ की और तुम्हारा ये तुम उस लड़के को कह रही कि तुम्हारा तो तुम्हारे के लिए हमने क्या यूज़ किया यू का यूज़ किया क्लियर सेम यह देखिए यहाँ पर वी यहाँ पर एक से ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ हैं है ना बट ये ये लोग क्या कर रहे हैं ये ना अपने बारे में बात कर रही है ना इससे बात कर रही है ना आय का यूज़ हुआ है यहाँ पर ना यू का जब ये लड़की खुद के बारे में बात करती तो आय का यूज़ होता जब ये लड़की इससे चाहे इस, इस गर्ल से बात करती तो यू का यूज़ करते बट यहाँ पर क्या हुआ है ये तीनों का को ग्रुप में बात किया गया है वी स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं हम एक हम स्टूडेंट्स हैं है। मतलब ये तीनों साथ में क्या है हम स्टूडेंट्स हैं है ना तो हमने यहाँ पर हम के लिए वी का यूज़ किया और यू के साथ यू के साथ एंड वी के साथ हमेशा आर लगता है बस आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं ओके यहाँ पर दो बॉयज़ हैं जो मतलब बॉयज़ है पर यहाँ पर इस बॉय ने ना अपने बारे में बात किया है ना इससे बात किया है ये क्या कह रहे हैं वी आर फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स हैं मतलब दोनों क्या हैं फ्रेंड्स हैं हम हम का यूज़ क्यों हुआ है ये दोनों को इंडिक साथ में बोलने के लिए हम वो लोग क्या हैं फ्रेंड्स हैं समझ में आया क्लियर हो बेटा आई का यूज़ हम अपने बारे में जब इंट्रोड्यूस करते तब बोलते हैं और आई के साथ हमेशा एम लगता है माए माए का मतलब क्या होता है मेरा जब आय जब कोई भी पर्सन आय का यूज़ करेगा तो अगर कोई चीज अगर वो कोई भी थिंग को इंडिकेट करेगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा माई का भी यूज़ करेगा ठीक है यू का यूज़ कब होता है जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से बात करता है जब सामने जब कोई इंसान डायरेक्ट सामने वाले इंसान जो भी खड़ा उससे बात करता है तो हम वहाँ पे यू का यूज़ करते हैं ओके और वी का यूज़ कब होता है जब कोई भी जब कोई भी पर्सन जब ग्रुप में होते हैं ना तो जब कोई भी पर्सन जब सबको मिलाकर खुद के बारे में बात करते सबके बारे में बात करते हैं तब तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं वी का यूज़ करते हैं ओके आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ओके थैंक यू जय हिंद